दोस्तों यह साल होता है 1657 का, जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया। इसके ठीक 100 साल बाद 1758 में पेशवा रघुनाथ राव ने पेशवा नाना साहब को चिट्ठी लिखी थी कि हमने लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और दूसरे सूबों को अटक की तरफ मिला लिया है। हमारे साम्राज्य में जो नहीं आ पाए वो जल्द ही हमारी मातहती में होंगे। अहमद खान अब्दाली का बेटा तैमूर सुल्तान और जहां खान हमारी सेनाओं द्वारा खदेड़े और लूटे जा चुके हैं। दोनों ही कुछ टूटे फूटे दल बल के साथ पेशावर पहुंचे हैं। हमने कंधार को अपना राज्य घोषित करने का निर्णय ले लिया है। वहीं 100 साल के संघर्ष के बाद दोस्तों अटक से कटक तक भगवा लहरा दिया गया था। कंधार के लिए लड़ने की तैयारी चल रही थी। पहले तो दोनों सेनाओं की तोपें आपस में लड़ती हैं, फिर बंदूकें चलती हैं, फिर तलवारें और भाले निकले, फिर खंजर, चाकू और तीर चलते हैं, फिर पत्थर और ईंट चलती हैं, और अंत में मुक्के और घूंसे भी चलते हैं। वहीं पानीपत के युद्ध के बाद अब्दाली द्वारा पेशवा नाना साहब को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें वो अब्दाली कुल मिलाकर यह कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस जाने दिया जाए। लेकिन दोस्तों हम भारतीयों के सामने यह सब बातें तो तुच्छ हैं, छोटी हैं, क्योंकि हमें तो इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतिहास के लगभग हर दशक में हमारा कोई ना कोई नरसंहार करता ही हुआ है। हमारी कभी खोपड़ियों की पिरामिड बना दी जाती है तो धर्म के आधार पर हिंसा करके हमारी मातृभूमि का कोई देश विभाजन कर देता है। लेकिन हमें इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि हिटलर ने यहूदियों को कैसे मारा। वो यहूदी जिन्होंने इजराइल बनने के बाद ढूंढ ढूंढ कर नाजी अफसरों को मारे, जिन्होंने अपने मरे हुए लोगों की याद में पूरी दुनिया में स्मारक बनवा दिए और पूरी दुनिया को उनके साथ हुई जादूतियों के बारे में बताएं। किंतु हमारे भारतीय रक्त रंजित इतिहास का एक भी स्मारक नहीं है। हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं और हमें जानना भी नहीं है। पानीपत के युद्ध के बाद जो घंटों मार काट मची, हम उसे ऐसे भूले हैं जैसे वो कभी हुआ ही नहीं हो। हम अपने ही देश का इतिहास ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों जैसे ये किसी और दुनिया की बातें हो रही हो। सोमनाथ मंदिर के साथ सोमनाथ मेमोरियल भी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि गजनी से लेकर औरंगजेब तक ने सोमनाथ के साथ क्या क्या किया। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि, सबके साथ में उनका इतिहास भी हम भारतीयों को जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन 1761 के बाद फिर पश्चिम से भारत में कोई गजनी से लेकर अब्दाली तक हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बाद 1920 में अफगानिस्तान के सुल्तान को गांधी जी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो योजना भी विफल रही और 1947 में मेज पर पूरा पश्चिमी भारत जिहादियों के सामने हम हार जाते हैं, जो हमने 1761 के कथित हार के बाद भी नहीं खोया, वो हमने 1947 की आज़ादी में खो दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है दोस्तों। 1925 में शुरू हुआ संघ अपनी पहली शताब्दी से पहले ही आज देश की नीति तय करने वाले संगठन बन चुका है। एक स्वयं सेवक देश का प्रधानमंत्री है। अगर संकल्प करके कोई चले तो 100 साल में पूरे देश का राजनीतिक मानचित्र बदल सकता है। हमने काम दो बार करके दिखाया है, लेकिन मकर संक्रांति का दिन यह सीख देती है कि भविष्य के पानीपत के लिए हम भारतीयों को तैयार रहना चाहिए, ताकि फिर संघर्ष को शुरू से शुरू ना करना पड़े, क्योंकि अब ये देश और 100 साल इंतजार नहीं कर सकता।